दोस्तों, आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, क्या आप उन सब अंगों के इस्तेमाल के बारे में जानते हो? जैसे कि आपको पता है कि आप अपने हाथों से कोई भी काम कर सकते हो। पैरों का काम होता है चलने का, जिससे आप पैरों की मदद से चल सकते हो। आँखों की मदद से आप दूर तक देख सकते हो और कानों की मदद से किसी भी चीज की आवाज सुन सकते हो। इन सब बॉडी के अंगों के काम के बारे में तो आप जानते ही हो, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे शरीर के खास अंगों के बारे में बताएंगे जिन अंगों के काम करने के फायदे के बारे में कोई नहीं जानता। क्या आपको पता है कि आपकी आंख के कोने में मौजूद इस छोटी सी चीज का क्या काम होता है? कभी गौर किया है ये भला आपको किस लिए मिला है? ज्यादातर लोग तो इसे एक यूजलेस बॉडी पार्ट समझते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही मुख्य पार्ट होता है और इस पार्ट का नाम है प्लीका सेमिलनरिस। ये पार्ट हमारी बॉडी के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। जब आप सुबह को उठते हो, तब आप अपनी आंखों में इस गंदी सी चीज को देखते हो। जो दिन भर की गंदगी आपकी आंखों में जमा होती है, रात भर में वो आपकी आंखों के कोने में आकर जमा हो जाती है और उसी गंदगी को आप सुबह को देखते हो अपनी आंखों में और पानी छिड़क के उस गंदगी को साफ करते हो। वो गंदगी आपकी आंखों से निकलनी बहुत जरूरी है और इसी गंदगी को इकट्ठा करता है और बाहर निकालता है ये प्लीका सेमिलनरिस। युव्युला, युव्युला आपके मुंह के अंदर की लटकती हुई इस चीज को कहते हैं। क्या ये आपके कोई काम की है? इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। असल में ये आपके शरीर के अंदर के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। युव्युला हवा के इन्फेक्शन करने वाली बैक्टीरिया से आपको बचाने के लिए होती है। जब भी कोई खतरनाक बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर से आपके शरीर के अंदर जाने की कोशिश करती है, तब ये युव्युला उसे रोकता है। असल में जब कोई शक्तिशाली बैक्टीरिया आपके शरीर में घुसने की कोशिश करता है, तब युव्युला खुद फैलने लगता है, क्योंकि वो उससे लड़ने में पूरी जान लगा देता है और इसीलिए युव्युला बड़ा हो जाता है। दिन भर में कितनी ही बार आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया जाने की कोशिश करती है और हर बार ये युव्युला आपको उस बैक्टीरिया से बचाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आईब्रोज, आपकी आंखों की आईलिड हेयर जो होती है, ये वाली, ये तो आप जानते ही होंगे कि ये बाहर से आने वाली धूल को आंखों में घुसने से रोकती है। पर आईब्रोज का क्या काम है? देखा जाए तो अगर ये नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखने में चेहरा खराब लगेगा, वो तो बाद की बात है। पर क्या कोई इसका बहुत जरूरी सा काम है आपके शरीर में? तो इसका आंसर है हाँ। ये आपकी आंखों में बारिश का पानी घुसने से रोकने के लिए होती है। आपकी आईब्रोज की शेप ऐसी होती है और इसके चलते जो पानी ऊपर से आता है वो इस शेप के जरिए साइड से होकर नीचे गिर जाता है और आपकी आंखों में बारिश का पानी नहीं जा पाता। सिर्फ बारिश ही नहीं, जब गर्मी के समय में पसीना आता है तब भी यही होता है। पसीना साइड से निकलकर नीचे गिर जाता है और आपके देखने की शक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बारिश हो या फिर पसीना टपक रहा हो, आपको साफ ही दिखेगा। और सबसे मेन बात आपके दिमाग में आई ही नहीं, वो ये है कि आपके पसीने में जो साल्ट यानी नमक होता है, अगर वो आपकी आंखों में घुस जाए तब बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमारे इंटेलिजेंट शरीर में ये आईब्रोज बना है, ताकि आप पसीने के नमक से बच सको। ट्रेगस, इसे जनरली यही माना जाता है कि आपके कानों का ये पार्ट जो है, जिसका नाम है ट्रेगस, वो कोई काम का नहीं, पर ये असल में काम का है। ये पार्ट आवाज कहां से आ रही है ये जानने में मदद करता है। मान लो कोई आवाज आपके सामने से आ रही है,
तो आवाज जब आपके कान में घुसेगी तो ये ट्रेगस एक स्पीड ब्रेकर जैसा काम करता है। वो आवाज और आपके कान के पर्दे के बीच में ये ट्रेगस आ जाता है, जिसके चलते वो आवाज आपके कानों में देरी से घुसती है। उसके मुकाबले जो आवाज आपके पीछे से आ रही होती है, मतलब पीछे से आने वाली आवाज डायरेक्ट अंदर घुस जाती है और आगे से आने वाली आवाज को स्पीड ब्रेकर को फेस करना पड़ता है। इसके बाद वो अंदर जाती है और इसी के चलते आगे से और पीछे से आने वाली आवाज के बीच में आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, यानी दोनों में अंतर कर पाते हो। अगर ये नहीं होता तब आपको पता ही नहीं चलता कि कोई आवाज आगे से आ रही है या फिर पीछे से आ रही है। ग्लेबेला, आपकी दोनों आंखों के बीच में जो जगह होती है उसे ग्लेबेला कहते हैं, पर ये जो जगह है इसे आप सिंपल मत मानना। मतलब दोनों आंखों के बीच में जो ये जगह है वो असल में काम की है। इस एरिया का इस्तेमाल करके आप ये पता कर सकते हो कि आपका शरीर अच्छे से हाइड्रेट है या नहीं। हाइड्रेटेड मतलब कहीं आपके शरीर में पानी की कमी तो नहीं है। आप कितना भी अपने खाने पर ध्यान दो, कितना भी जिम में वर्कआउट कर लो, अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों ही अपनी फुल पावर से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड यानी शरीर के अंदर पानी की मात्रा पूरी रखनी जरूरी है। आपके शरीर में पानी ठीक ठाक है कि नहीं, इसी का पता आप इस जगह का इस्तेमाल करके लगा सकते हो। अपनी इस जगह को आप पिंच करो, मतलब धीरे से इसे पकड़ के मोड़ो। मोड़ने के बाद अगर आपका ग्लेबेला वापस पहले जैसा हो जाता है नॉर्मल, तो इसका मतलब आपका शरीर अच्छा खासा हाइड्रेटेड है। लेकिन अगर पिंच करने के बाद वो वापस नॉर्मल नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है। जितना पानी आपके शरीर को चाहिए उतना पानी आपके शरीर में नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आपके शरीर के कुछ छोटे छोटे पार्ट के बड़े बड़े फायदे। अगर दोस्तों आप अपने शरीर के हर पार्ट के फायदों के बारे में जानना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें और हमें अपना सपोर्ट दें ताकि हम आपके लिए फैक्ट और नॉलेज रिलेटेड अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और सपोर्ट यही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।